नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह है और मैं जियो आई एस एन नेट अकेडमी कलमबाग रोड मुजफ्फरपुर में चलाता हूं। जैसा कि आप इसके टाइटल से देख करके समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ये टाइम कैलकुलेशन है सूरज और चंद्रमा के आधार पे। तो सबसे पहले इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको आज हम बताएंगे कि सौर्य दिवस क्या होता है और महीना कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से लूनर मंथ क्या होता है, चंद्रमास क्या होता है, नक्षत्र दिवस क्या होता है, और मैं आप आज को बताऊंगा कि लीप ईयर भी क्या होता है। साथ ही मैं आपको इंटर कैलरी मंथ जिसको बोलते हैं मलमास, ये क्या होता है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है यह रोटेट करती है पश्चिम से पूरब 24 घंटा में एक बार। अपने एक्सिस पर जब पृथ्वी 24 घंटा में एक बार जब रोटेट कर जाती है तो उसको कहते हैं सोलर डे। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ एक प्रयोग करके। ये आप देख रहे हैं कि पृथ्वी है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, और यह पॉइंट जो है इसको कहा जाएगा सब सोलर पॉइंट। ये सब सोलर पॉइंट क्या होता है, ये मान लेते हैं कि ये सूर्य है और सूर्य के सम्मुख ये सूरज की किरणें जो है सीधे यहाँ पे पड़ रही है सनलाइट इस सब सोलर पॉइंट पे। अब यह सब सोलर पॉइंट जो है वह इस सूरज से यह वादा करता है कि आप यही अपने जगह पे रहिए, मैं एक बार पूरी तरह से घूम करके ठीक 24 घंटा में आपके सम्मुख फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तो यह पॉइंट जो है वह चलना शुरू करता है और फिर 24 घंटा में ठीक सूरज के सामने आ जाता है। अब इस पे सोलर लाइट पड़ रही है एकदम सीधी, तिरछी नहीं पड़ रही है। इस पॉइंट के उत्तर, दक्षिण या पूरब और पश्चिम सूरज की किरणें जो है वह इंक्लाइंड हो जाएगी, यहाँ पे इंक्लाइंड नहीं होगी सब सोलर पॉइंट पे, एकदम सीधी पड़ रही है। इसको कहेंगे सोलर दिवस, इसी को कहते हैं सौर्य दिवस। तो इसमें ये मान के चला जाता है कि पृथ्वी सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, यह रिवॉल्यूशन नहीं करती है सूर्य के चारों तरफ। तो एक तरह से ये जो है एकदम सही सही कैलकुलेशन तो नहीं है, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करती है, बल्कि वह एक्सिस पे रोटेशन करने के साथ ही अपना ऑर्बिटल मूवमेंट भी करती रहती है सूर्य के चारों तरफ। उस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि सोलर मंथ लिखा हुआ है, 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का। तो 28 दिन फरवरी में होता ही है, लीप अगर ईयर है 3 साल के बाद चौथे साल में जब पड़ता है तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ये लीप ईयर क्या होता है ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही 30 दिन का मंथ होता है और 31 दिन का भी मंथ होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सोलर ईयर क्या होता है। अब सोलर ईयर पे आप देख रहे हैं उसको कॉमन ईयर भी कहते हैं, सामान्य वर्ष। वह 12 सोलर मंथ मिलकर के 365 दिन बनता है और 365 दिन जो होता है उसको पृथ्वी को पार करने में 360 डिग्री पार करना पड़ता है। यानी कि पृथ्वी जब एक बार रिवॉल्यूशन कर लेती है अपने ऑर्बिटल पथ पे सूर्य के चारों तरफ तो उसको 360 डिग्री पार करना पड़ता है 365 दिन में। यानी कि अगर इसको हम सामान्य कैलकुलेशन कर ले तो लगभग एक दिन में एक डिग्री पृथ्वी को पार करना पड़ता करनी पड़ती है, वह भी 4 मिनट में। यानी कि एक डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है। तो आप जानते भी हैं कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। तो यहाँ भी आप ये मान के चलिए कि एक दिन में पृथ्वी को अपने ऑर्बिटल पथ पर चलने में 4 मिनट लग जाता है, और 365 दिन अगर चलती है तो लगभग 360 डिग्री यह तय कर लेता है दूरी। अब इसमें आप देखिए एक लिखा हुआ है सिडरल डे यानी नक्षत्र दिवस। ये नक्षत्र दिवस क्या होता है, तो नक्षत्र दिवस में जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि यह एक सब सोलर पॉइंट है, यह सब सोलर पॉइंट 24 घंटा में आ जा रहा है सिर्फ एक्सियल मूवमेंट करके। लेकिन वास्तव में पृथ्वी सिर्फ एक्सियल मूवमेंट नहीं करती है बल्कि वह अपने ऑर्बिटल मूवमेंट भी करती रहती है। तो यह पॉइंट अब फिर सूर्य से वादा करेगा कि आप अपने जगह पे स्थिर रहिए और मैं 24 घंटा में फिर से चक्कर लगा करके यहाँ पे आ जाता हूँ। सूर्य चूंकि बिग बॉस है ना, इसलिए इसको कहता है कि मैं यहाँ पे फिर 24 घंटा में आ जाऊँगा। लेकिन
लेकिन वाकई में होता क्या है कि जब यह पॉइंट, यह सब सोलर पॉइंट जब 24 घंटा में एक्सियल मूवमेंट करेगा, तब तक पृथ्वी भी अपना ऑर्बिटल मूवमेंट भी करेगा सूर्य के चारों तरफ। तो एक्सियल मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मूवमेंट होने से यह जो पॉइंट है इसको थोड़ा कम दूरी ही तय करना पड़ेगा। पहले 24 घंटा में यह घूम करके अपने स्थान पर आ जा रहा था सामने, अब क्या है कि यह 24 घंटे से थोड़ा कम समय में ही उस जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिड्रल डे लिखा हुआ है 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 घंटा 56 मिनट है, यानी कि 4 मिनट इसमें कम है सोलर डे की तुलना में। तो 4 मिनट वही कम है, क्योंकि 24 घंटा में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी एक डिग्री ऑर्बिटल मूवमेंट कर लेती है, तो एक डिग्री में 4 मिनट है, तो 4 मिनट इसमें कम हो गया, यानी कि 4 मिनट पहले ही यह सब सोलर पॉइंट सूरज के सामने आ गया। तो आप इसको भी समझ लिए कि सिड्रल डे क्या होता है। वास्तव में सिड्रल डे ही वास्तविक डे है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सोलर सिस्टम में स्थिर कुछ भी नहीं है, बल्कि वह जितने भी हेवनली बॉडी है, आकाशीय पिंड है, वह अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर एक्सियल मूवमेंट और आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जिसको कहते हैं ऑर्बिटल मूवमेंट करते ही रहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सिड्रल ईयर क्या होता है। तो सिड्रल ईयर यानी नक्षत्र वर्ष क्या होता है, तो यहाँ भी आप जानते हैं कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 54 सेकेंड का होता है एक सिड्रल ईयर। आपने यहाँ देखा है कि सोलर ईयर होता है 365 दिन का, लेकिन सिड्रल ही हुआ 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 54 सेकेंड। तो इसमें भी ये मान के चला जाता है कि पृथ्वी जो है वह एक्सियल मूवमेंट करने के साथ ही ऑर्बिटल मूवमेंट भी करती रहती है, और इसी कारण से पृथ्वी को एक पूरा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में उसको थोड़ा सा ज़्यादा कि इसमें हमने यहाँ बताया है कि सिड्रल ईयर को ट्रॉपिकल ईयर भी कहा जाता है। एक्चुअली है क्या कि इसमें जो 6 घंटा 9 मिनट जो बढ़ रहा है, वह यहाँ देख रहे हैं कि पर डे 4 मिनट इजाफा हो रहा है। अब एक साल के बाद जब इसको कैलकुलेशन किया जाता है तो यह 6 घंटा 9 मिनट 54 सेकेंड निकल के आता है। वही 4-4 मिनट जो बढ़ रहा है पर डे, वही एक साल में जा करके 6 घंटा 9 मिनट 54 सेकेंड हो जा रहा है। तो इसी को कहते हैं सिड्रल ईयर, इसको ट्रॉपिकल ईयर भी कहते हैं। अब ये जो एक 6 घंटा 9 मिनट जो बता, इसको 3 साल तक अगर कैलकुलेशन करते जाइए, चौथे साल में यह एक दिन बढ़ जाएगा, यानी 24 घंटा हो जाएगा, 6×24 लगभग 24 घंटा हो जाएगा। अब 365 दिन में एक दिन जोड़ देंगे 366 दिन हो जाएगा। इसीलिए हर 3 साल के बाद चौथे साल में लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर जो होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। अब उसको एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया जाएगा 12 महीने में। तो उसको क्या किया जाता है कि फरवरी के महीने में उसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है वो सबसे छोटा होता है, 28 दिन का होता है, इसलिए उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, 29वां दिन बना दिया जाता है। अब आप यहाँ एक देख रहे होंगे कि 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन ये क्या है। देखिए ये जो है ना, यह इसको आप कहिए कि एक प्रकार का राशि है, पृथ्वी को एक राशि को पार करने में 30 डिग्री चलना पड़ता है और एक महीना चलना पड़ता है, यानी कि एक राशि पार करने में एक महीना लगता है और 30 डिग्री उसमें तय हो जाती है। यानी कि पृथ्वी पे 12 राशियां हैं, 12 राशि को पार करने में पृथ्वी को 360 डिग्री पार करना होता है और एक साल उसको लग जाता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि यह जो है सोलर मंथ जो होता है वह पृथ्वी का राशियों में चलने का समय है, ड्यूरेशन है। तो ये हो गया। अब आप इसमें इतना तो समझ गए, अब आपको हम समझाते हैं कि लूनर डे क्या होता है, यानी कि चंद्र दिवस क्या होता है। यह 24 घंटे 50 मिनट का होता है। चंद्रमा जो है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने के साथ ही वह सूर्य के चारों तरफ भी रिवोल्यूशन कर देता है, और साथ ही यह अपने एक्सिस पे रोटेशन भी करते रहता है। कौन? चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा में भी दो गति है, एक रोटेशन का, एक रिवोल्यूशन का। अब आप देख रहे हैं इसमें कि जो एक्सियल रोटेशन होता है चंद्रमा का, वह 24 घंटा का नहीं होके 24 घंटा 50 मिनट का होता है। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये जो चंद्रमा है, यह अगर पृथ्वी
ऑर्बिटल मूवमेंट नहीं कर रही होती तो यह भी 24 घंटे में अपना एक बार रोटेशन कर लेता पृथ्वी के, लेकिन पृथ्वी का जब यह रोटेशन करते रहता है तो पृथ्वी भी आगे और अपना ऑर्बिटल मूवमेंट करती रहती है, और ऑर्बिटल मूवमेंट जो होता है वह लगभग 12 डिग्री का हो जाता है, यानी कि 12 डिग्री को 12.5 डिग्री होगा, 12 डिग्री 12 × 48 और उसमें 2 मिनट और बढ़ाइए 50 मिनट का हो जाएगा, यानी कि पर डे ये जो चंद्रमा है वह पर डे लगभग 50 मिनट पीछे छूट जाता है, पृथ्वी आगे निकल जाती है, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको फिर चलना पड़ता है, यानी 24 घंटा 50 मिनट उसको लग जाता है, तो उसी को कहते हैं लूनर डे। उसी तरह से लूनर मंथ क्या होता है, तो लूनर मंथ जो है उसको चंद्रमास हिंदी में कहते हैं, यह 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का होता है, इसको मान के चला जाता है कि यह लगभग 29.5 दिन का है। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि चंद्रमा जो है वह अपना एक्सियल मूवमेंट हो या ऑर्बिटल मूवमेंट हो दोनों उतनी ही अवधि में पूरा करता है, लगभग 29.5 दिन में ही लगभग उसका एक्सियल मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों होता है, तो ये आप समझ गए। उसी तरह से आप यहाँ देखिए लूनर ईयर लिखा हुआ है, चंद्र वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ हमने लिखा है कि 12 लूनर मंथ मिल करके बनता है 354 दिन, यानी कि एक लूनर जो आप देख रहे हैं कि 12 एक लूनर मंथ जो है इसमें आप देख रहे हैं 29.5 दिन, और 29.5 को 12 से गुना कर दीजिए तो 354 दिन निकल के आएगा, तो यह 354 दिन जो है उसको कहते हैं लूनर ईयर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखे हुए हैं सौर्य वर्ष 365 दिन, चंद्र वर्ष 354 दिन, दोनों के बीच का अंतर हुआ 11 दिन का। अब 11 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है पर साल, अब हर साल 11 दिन एक्स्ट्रा जो बच जा रहा है उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसको क्या करते हैं कि 11 को 3 से गुना करिए, यानी कि प्रत्येक 3 साल तक 11 × 11 × 11 33 दिन बढ़ जाता है, यानी 3 साल में 33 दिन बढ़ गया, और चौथे साल में क्या करेंगे फिर इसको एडजस्टमेंट करने के लिए एक ऐसा समय रखा जाता है जिसको कहते हैं इंटरकैलरी मलमास उसको कहते हैं, तो मलमास पड़ते रहता है हर 3 साल के बाद, यह 33 दिन का होता है, और चूंकि यह 33 दिन का होता है तो इसमें है कि बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के अनुसार अपना महादेव वगैरह की पूजा करते रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं उस टाइम में, तो ये हुआ आपका मलमास, इसलिए अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।